वेलकम टू द लॉयर्स थिंक टैंक आज का फॉरेन वर्ड है बुना वैकेंशिया इसका मीनिंग और एग्जाम्पल आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशियल लास्ट वीडियो में हमने प्री ब्रिटिश एरा देखा था उसमें हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ डिटेल में देखा था दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ब्रिटिश एरा अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी सो लेट स्टार्ट विद इट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में तब चालू हुआ जब ये टेक्स्ट चार्टर रूल 1600 में लिखा गया था ये इसके लिए क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी थी और इसमें लेजिस्लेटिव और जुडिशियल दोनों पावर्स गवर्नर को दी गई थी और ये गवर्नर अपॉइंट होता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दट ये सब होता था उनके ट्रेड को एडवांसमेंट देने के लिए तो so इसके लिए वो जो गवर्नर अपॉइंट करते थे उसको ये सारी पावर्स दी गई थी अब लॉ के सोर्सेस क्या हुए पहले तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सेपरेट था नाव सोर्स आर पार्लियामेंट्री चार्टर्स एक्ट हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ कस्टमरी लॉज ये सब अब सोर्सेस हुए थे कुछ जो एक्सेप्शन केसेस थे जिसको कहा लिखा नहीं था क्या करना है तो वो गवर्न होते थे इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्सेंस इन तो, तीनों के बेसिस पे नवेंटीन सेवनटी टू टू एटीन सिक्सटी फोर में विलियम जोन्स हेनरी थॉमस कोलिब्रुक ऐसे बहुत सारे लोगों ने धर्मशास्त्रार्ज को कंपाइल किया कंपाइल मतलब इतने सारे जो धर्मशास्त्रार्थ थे उन सबको स्टडी करके एक बुक में लिखा गया और उसको ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश लैंग्वेज में इस पीरियड में हिंदू वर पंडितो सर्विंग एडमिनिस्ट्रेशन इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट थ्री में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ बट अभी जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ये वो नहीं है वो अलग था ये अलग है सो so, इस कोर्ट के बारे में हम देखेंगे उसके पहले रेगुलेशन एक्ट फोर ऑफ सेवनटीन इस समय पहले जैसे हिंदू और मुस्लिम लॉ सेपरेट सेपरेट मैटर्स पे अप्लाई होते थे बट इस रेगुलेशन एक्ट के बाद हिंदू एंड मुस्लिम लॉ सारे मैटर्स पे अप्लाई होना शुरू हो गया जैसे कि अगर किसी भी मैटर पे मैरिज रिलेटेड सिविल मैटर है इनहेरिटेंस का है सक्सेशन का है कौन से भी मैटर पे दोनों लॉज अप्लाई होने लगी सो so, हमने अभी देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था बिकॉज एडमिंड बॉर्के जो थे उन्होंने कहा था कि अ स्ट्रॉग एंड सॉलिड सिक्योरिटी फॉर नेटव अगेंस्ट द रोंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन बेंगाल सो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट मतलब एक हायर बॉडी एस्टेब्लिश की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत सारे कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए थे सदर अदालत उनको हेड करती थी उनका जुरिस्डिक्शन पूरे प्रोवाइंस पर था ऐसे पर्टिकुलर पर किसी एरिया पे नहीं था पूरे एंटायर प्रोवाइंस पर था उसके बाद ऑथोरिटी गवर्नर जनरल काउंसिल्स को थी और ये कोर्ट्स फंक्शन करते थे एज अ आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह फंक्शन नहीं करते थे एग्जीक्यूटिव के ब्रांच और आर्म के जैसे वो फंक्शन करते थे बट ये जो सुप्रीम कोर्ट था जो एस्टेब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से दैट वॉज नॉट हेडेड बाय इंग्लिश कंपनी बट इंग्लिश क्राउन और इसकी पावर जो थी प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस कमिटेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट एनश्योर दैट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर्स इन कन्फर्मिटी विद लॉज ऑफ इंग्लैंड ये सब पावर्स इस कोर्ट को थी और ज्यूरिस्डिक्शन भी पूरे प्रोवाइंस पर था अब मृथी मुखर्जी का मानना था कि इसकी वजह से एक्टिविस्ट जुडिशरी चालू हुई बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए बहुत सस्पिशियस और होस्टाइल था बिकॉज अगर कोई नेटिव मेंबर किसी भी प्रोवेंशियल काउंसिल या फिर कौन सी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी है उसके जो मेंबर्स थे उनके अगेंस्ट कोई सूट लाता है तो उसको कोर्ट में एंटरटेन किया जाता था लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल फेमस पटना केस इस केस में नदरा बेगुम इन्होंने पटना के कोर्ट के जजेस को स्यू किया क्यों क्योंकि उन्होंने फोर्सिबली एंटर किया उसके सर्वेंट के साथ असोल्ट किया और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया ऐसा उनका मानना था तो ऐसा होने लगा था इसलिए मिट्टी मुखर्जी का ये मानना था कि ये सब एक्टिविस्ट जुडिशियरी को प्रोत्साहित कर रहा है नाउ द लॉ कमीशन कम्सू पिकीन थर्टी फोर में फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हुआ चेयरमैन थे टीबी मकावली इस कमीशन का काम था नेचर ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स को एग्जामिन करना इसके बाद क्विफिकेशन ऑफ लॉ ऑल्सो बिगे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे बट को इक्वल थे उनको एक प्रॉपर सेपरेट कॉमन सिस्टम में लिखा गया कोडिफिकेशन किया गया और इसकी मदद से पीनल कोड ऑफ एटीन थर्टी सेवन ड्राफ्ट किया गया दिस वॉज वेरी बिग एंड मेन अचीवमेंट ऑफ दिस कमीशन ना सेकेंड लॉ कमीशन उनकी क्या थी पावर टू एग्जामिन पॉसिबिलिटी ऑफ सिंगल सिस्टम ऑफ प्लीडिंग एंड प्रैक्टिस दैट यूनिफॉर्मली ऑल्सो फर्स्ट पीनल कोड सी पी सी सी आर प्रोसीजर कोड ये भी इनैक्ट हुआ और इस कमीशन का ऐसा मानना था कि इंडिया नीडेड बॉडी ऑफ सबस्टैंड सिविल लॉ दैट वुड बी मॉडल्ड अपॉन इंग्लिश लॉ ऑफ द टाइम बट वुड कीप इन माइंड द कंडीशन कैरेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सो दिस वॉज वेरी ग्रेट सो ये सब था ब्रिटिश एरा अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद अब आता है ब्रिटिश इंडिया पोस्ट टेकिंग ओवर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से 1950 तक तो ये हम देखने वाले अपने अगले वीडियो में सो so, मैंने स्टार्टिंग में वर्ड बोला था बोना वैकेंशिया मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई ओनर नहीं है ओनरलेस प्रॉपर्टी एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि द प्रॉपर्टी विल बिकम बोना वैकेंशिया इफ नो हेस एग्जिस्ट सो अगर कोई इंसान है उसके कोई हेयर्स नहीं है का खुद का बच्चा नहीं है या फिर कोई भी नहीं है जो प्रॉपर्टी को जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और अगर वो इंसान मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी ओनरलेस हो जाएगी सो दैट इज इट इज सेड द प्रॉपर्टी विल बिकम बोना वैकेंशिया सो दिस वॉज इट अगर आपको थियरी नोट्स या फिर एमसीक्यू नोट्स जो हैंड रिटन है वो चाहिए देन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू